फ्रेंड, टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना सीखा। दैट इज 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ ऐसा नंबर है। प्रूव करना है आपको इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम 3/2 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। मतलब जो जितने भी नंबर होते हैं वो 3/2 के फॉर्म में अगर हम उसको राइट कर सकते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अ नंबर विच इज वी कैन एक्सप्लेन 3/2 फॉर्म एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर। एंड अ नंबर विच इज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय p/q, मतलब ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, तो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय p/2 फॉर्म इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। जिनको आप p/2 के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमको क्या प्रूव करना है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसका कुछ कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि थोड़ा सा हमको कठिन टफ लगता है, पर टफ कुछ भी नहीं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस सब को करते हैं तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम करेंगे कि लेट प्रूव क्या करना है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमको प्रूव क्या करना है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, मतलब हम उसका जस्ट अपोजिट एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो हमको जब रेशनल नंबर है तो हम उसको p/2 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि रूट 5 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, a/b, p/2 लिखो या a/b, हम कोई सा भी उसमें लेटर्स यूज कर सकते हैं। तो हमने राइट किया a/b। अब a/b क्या है आपका, a/b आर टू इंटीजर, a/b टू इंटीजर है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो b जीरो के इक्वल नहीं है। इज दैट क्लियर, आपको इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जो a/b है, लेट a/b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब जो a/b है उसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज एज्यूम दैट a/b आर को प्राइम। को प्राइम इज प्राइम नंबर, आप समझते हैं कि प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर इज दोस नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो अब को प्राइम मतलब होता है को प्राइम में कोई टू नंबर जो हम रहते हैं वो सिर्फ उनका एक ही फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर 1, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, उस नंबर को आप क्या बोलते हैं? को प्राइम। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5 और एक नंबर ले लिया 7, अगर इन दोनों दोनों नंबर है को प्राइम है, मतलब ये पेयर में होते हैं, ये दोनों नंबर को प्राइम है, अगर इन दोनों को फैक्टर करेंगे तो इनका कोई भी कॉमन नंबर हम निकाल नहीं सकते। तो इस ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो आप क्या बोल सकते हैं, उन्होंने पहले बोला कि a/b है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो आप क्या एज्यूम कर सकते हो, a/b आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हो गए वो, को प्राइम। अब क्या करेंगे आप, इसको अगर क्रॉस करते हैं b का एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का रूट 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो एक इक्वल टू हो गया रूट 5b। इसको इस टाइप से राइट करेंगे, b में रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5b। फिर हम इनका स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग क्रॉस साइड। तो जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो a का स्क्वायर तो a ही हो जाएगा, बट जब हम रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 एंड b का स्क्वायर b। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आपने इसमें स्क्वायर तो कर दिया, तो आपको क्या पता चला कि जो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5,
ए स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया, 5 से हो गया। बट अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ए भी डिविजिबल है। सब अब आप बोलोगे इसमें डिवाइड कौन है, अगर 5 जो है इसके ऊपर हम ला सकते, ये मल्टीप्लाइड है तो प्राइम में चला जाएगा, ये डिवाइड है तो ए स्क्वायर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। तो ए स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया, इसमें 5 से हो गया। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, हम बोल सकते हैं कि ये भी 5 से क्या है, डिविजिबल है। अब सपोज हमने क्या करा, ए जो है 5 से डिविजिबल है तो ए इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 5k। क्या राइट कर सकते हैं हम, 5k राइट कर सकते हैं, जहां k क्या है आपका है इंटीजर है, ए क्या है k के प्लेस में कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x, y, z कुछ भी हम उसमें राइट कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू हमने क्या राइट कर दिया, 5k। अब इसकी जो वैल्यू है 5k की, हम इक्वेशन जो फर्स्ट मैंने बनेंगे उसमें पुट कर देंगे, ए के प्लेस में यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, 5k। 5k पुट करा, इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर, एंड देन 5 भी स्क्वायर, एज इट इज राइट होगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, एंड 5 भी एज इट इज, 5 5 5 5 5 25, तो आपका ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। इस टाइप से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k स्क्वायर। अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो b स्क्वायर भी इसका डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो 5 b भी डिविजिबल होगा, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी क्या हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। तो इस पूरे जो हमने सॉल्यूशन करा तो उसमें हमने क्या फाइंड आउट करा कि a एंड b दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल हो रहे, 5 से डिविजिबल है। तो दिस इंप्लीज दैट a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब 5 से डिविजिबल है दोनों नंबर, तो 5 दोनों का एक कैसा फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, 5 इज अ कॉमन फैक्टर। बट हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। हम a और b को क्या बोल रहे हैं, को प्राइम बोल रहे हैं, कि उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये तो आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया फैक्ट का, कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट एंड b आर को प्राइम नंबर, तो हेंस 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय q। हम 5 को रेशनल नंबर बनाया था, हमने एज्यूम किया था, तो हमने जो माना था कि वो रूट 5 रेशनल नंबर है, तो रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस p बाय q, हम उसको p बाय q फॉर्म में राइट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो सो आप क्या बोल सकते हो कि रूट 5 अगर p बाय q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर नहीं है, तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो दैट इज रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, तो रूट 5 क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप से हम कोई सा भी नंबर, जैसे आपको रूट 2 बोलते हैं या रूट 3 बोलते हैं, तो कोई सा भी नंबर हम उसमें सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। ओके, आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको क्या प्रूव करने के लिए बोला कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हमको उसका अपोजिट मानना पड़ेगा कि रूट 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर के लिए हमने रूट 5 की वैल्यू a अपॉन b पुट कर दी, a एंड b क्या है, टू इंटीजर्स है, जब b नॉट इक्वल टू 0 है, फिर हमने दिया कि लेट a एंड b है उसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब a एंड b कैसे नंबर होगा, को प्राइम, को प्राइम नंबर होते हैं जिसमें नंबर्स के पेयर, जो पेयर्स में होते हैं नंबर, उनमें दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। ओके, अब क्या करेंगे हम, दोनों नंबर्स का हमें स्क्वेयरिंग करा, स्क्वेयरिंग करा तो a स्क्वायर आ गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, एंड b स्क्वायर। अब इसमें आप क्या पहचाना आपने कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, तो हमने क्या लिख दिया a इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया इंटीजर। अब इस जो वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, a के प्लेस में हमने 5 की पुट करा, 5 के देन स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 5 भी एज स्क्वायर एज इट इज, 5 5 5, 5 का स्क्वायर 25 कैंसिल कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब यहां पर b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, मतलब
एंड बी है वो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमको 5 आ रहा है. तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम दैट हैज रूट 5 दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय 3/2 एंड रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. ओके तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं. कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपको तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आपकी बुक में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल्स में भी किए हैं तो वो आपको सॉल्व करना है. आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे इजीली आपको सवाल हो जाएगा. और ये क्वेश्चन एग्जाम में रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 तीनों से क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता ही है. तो आप जितनी प्रैक्टिस करें आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.